Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Accountancy Mock Test Part 32 and we are going to cover next 25 questions on accountancy. From question number 776 to question number 800, these questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exams, CRET, NET, JRF, state eligibility test as well as for CTET. अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन या ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कह सकते हैं। और क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड एडिशनल कैपिटल, हमें पता लगाना है एडिशनल कैपिटल क्या होगा। ओपनिंग कैपिटल दिया है 5000 रुपीज, नेट प्रॉफिट है 3000 रुपीज का, ड्रॉइंग है 500 रुपीज का और क्लोजिंग कैपिटल है 10000 रुपीज का। अब हमें पता लगाना है एडिशनल कैपिटल, तो देखिए मैंने सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। इस फॉर्मूले में जब आप इन सारी चीजों को पुटअप कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा एडिशनल कैपिटल इज 2500 रुपीज। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आया 2500 रुपीज का। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता करना है, हमें नेट प्रॉफिट पता लगाना है, ठीक है। और हमें मिला है ओपनिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन में गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक है 10000 रुपीज, परचेजेस है 40000 रुपीज का, सेल्स है 1,50,000 रुपीज का, वेजेस है 5,000 रुपीज का, डेटर्स है 5,000 रुपीज का, ऑफिस एक्सपेंस है 10,000 रुपीज का, डिस्काउंट रिसीवेबल है 3,000 रुपीज का और बैड डेट्स है 10,000 रुपीज का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक भी दिया है, परचेजेस भी दिया है, वेजेस भी दिया है, ठीक है, और सेल्स भी दिया है, तो हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना करके, ग्रॉस प्रॉफिट जब सॉल्व किया तो ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर आया 95,000। हमने क्या किया, सेल्स में से माइनस किया, हमने सेल्स जो था सेल्स में से हमने डिडक्ट किया ओपनिंग स्टॉक, माइनस किया परचेजेस, माइनस किया हमने वेजेस, हमारा आया ग्रॉस प्रॉफिट 95,000। और ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी जब चीजों को हम डिडक्ट करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 87,000 रुपीज का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 87,000 रुपीज। आप चाहें तो सॉल्व करके देख सकते हैं, आपका भी यही आंसर आएगा 87,000 रुपीज इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल, हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल पता लगाना है। हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, फिक्स्ड असेट्स 30,000 रुपीज के दिए हैं, करंट असेट्स 10,000 रुपीज का है, फिक्टिशियस असेट 10,000 रुपीज का और लाइबिलिटीज 20,000 रुपीज की है, ठीक है। हमें फॉर्मूला मालूम है कि कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल में जब हम असेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल आ जाएगा। तो हमने क्या किया, जितने भी असेट्स हैं, देखिए 30,000 रुपीज का फिक्स्ड असेट्स है प्लस करंट असेट्स 10,000 रुपीज का गिवन है प्लस फिक्टिशियस असेट है, इन सबको टोटल कर लिया आ गया 50,000, 50,000 में 20,000 माइनस किया तो आ गया हमारा कैपिटल 30,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 30,000 रुपीज, ठीक है। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपका प्रॉब्लम दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट इफ रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20%। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है अगर रेट ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स पे दिया हुआ है 20%। द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आर ₹60,000, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो 60,000 है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 12,000 रुपीज, ठीक है। तो ये भी मैंने सॉल्व करके रखा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है हमारा इनकम टैक्स पेड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने इनकम टैक्स पे किया विच वॉज अमाउंट ₹4,000, जो 4,000 रुपए का था, ठीक है। इसका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि मिस्टर एक्स ने इनकम टैक्स भरा 4,000 रुपए का, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इग्नोर कर दिया जाएगा, या हम कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे, या डेबिट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट को, या क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी एंड ऑल्सो डिक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। तो इन्होंने बोला है कि इनमें से चार ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन ऐसा ट्रांजेक्शन है जिससे ओनर्स की इक्विटी बढ़ती भी है और ओनर्स की इक्विटी रिड्यूस भी हो जाती है, डिक्रीज भी हो जाती है। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कैश डिविडेंड डिक्लेयर्ड, दूसरा ऑप्शन इशू ऑफ बोनस शेयर्स, तीसरा ऑप्शन शेयर इशूड शेयर्स टू प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, और चौथा है डिवेंचर्स कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी,
इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो इशू ऑफ बोनस शेयर वो ट्रांजेक्शन होता है जहां पे ओनर्स की इक्विटी बढ़ती भी है और घटती भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट। अब चार्ज क्या होता है समझिएगा, चार्ज का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये एक हिसाब से आपको भरना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले लिया, तो बैंक से अगर आपने लोन लिया बिजनेस करने के लिए, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो आप भरेंगे भरेंगे, अगर बिजनेस में लॉस हो गया तो भी आपको भरना पड़ेगा। तो बैंक लोन इज अ चार्ज। ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि अ रिजर्व इज अ चार्ज अगेंस्ट। तो रिजर्व जो है वो किसके अगेंस्ट एक चार्ज है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और चौथा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अगेंस्ट रिजर्व चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन अ प्रॉपर वे इज नोन एज। अगर हम बैलेंस शीट को प्रॉपर वे में अरेंज करें तो उसे हम क्या बोलेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहले मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट, दूसरा फॉर्मेटिंग ऑफ बैलेंस शीट, तीसरा फाइनलाइजिंग ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा है ग्रुपिंग ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, जब हम अपनी बैलेंस शीट को प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं तो उसे हम मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट द मैनेजरियल कमीशन। जो फॉलोइंग डिटेल है हमारे पास, इसमें से हमें क्या करना है, मैनेजरियल कमीशन पता लगाना है। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजरियल कमीशन इज 65,000। तो नेट प्रॉफिट मैनेजर को कमीशन देने से पहले 65,000, मैनेजर का कमीशन है 11% आफ्टर चार्जिंग सच प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। मैंने सॉल्व किया, मेरा भी आंसर बिल्कुल सही आया है। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है 6,441, दूसरा ऑप्शन 6,500, तीसरा ऑप्शन 6,290, और चौथा ऑप्शन 6,360। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 6,441। आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको दिक्कत होगी तो आप कॉमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कॉमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अ ट्रायल बैलेंस contains debtors of rupees 15,000. एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें debtors है 15,000 रुपीज के, बैड डेट्स है 400 रुपीज का, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 600 रुपए का, 600 रुपीज का। फर्दर बैड डेट्स गिवन इन एडजस्टमेंट आर रुपीज 400, और उसके बाद भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया हुआ है 400 रुपीज का। इफ अ प्रोविजन एट 5% इज मेड ऑन डेटर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ। अगर एक प्रोविजन बनाया जाए डेटर्स के ऊपर 5% का, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला 950 रुपीस, दूसरा ऑप्शन 800 रुपीस, तीसरा ऑप्शन 930 रुपीस, और चौथा ऑप्शन 1130 रुपीस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 930। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका आंसर बिल्कुल आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन। जो अप्रेंटिसशिप प्रीमियम है दिया जा रहा है ट्रायल बैलेंस में, अपीयर हो रहा है, शो किया जा रहा है, उसे हम बेसिकली कहाँ शो करेंगे। ठीक है, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम रिसीव्ड अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस आर शोन, उसे हम कहाँ शो करेंगे। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा ऑप्शन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा ऑप्शन ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, और चौथा कह रहे हैं ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहाँ से हमारा पार्टनरशिप शुरू हो गया। आपको मालूम है पार्टनरशिप बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज भी हैं और मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट वॉज एनएक्टेड, पार्टनरशिप एक्ट किस ईयर में एनएक्ट हुआ था। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला 1932, दूसरा 1956, तीसरा 1947, चौथा 1952। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1932 में पार्टनरशिप एक्ट इनैक्ट हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम कितने नंबर पार्टनर्स होने चाहिए। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन टू, सेकेंड ऑप्शन इज ऑप्शन फोर, थर्ड ऑप्शन इज 10, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 20। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में टू होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म में जो सबसे कम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं वो दो होते हैं, दो से कम वाला जो बिजनेस होता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, और एक इकलौता आदमी अगर काम कर रहा है तो सोल ट्रेडर, अगर एक से ज्यादा अगर जुड़ गया, मिनिमम दो है, तो पार्टनरशिप शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस। तो बैंकिंग बिजनेस के लिए कंपनीज एक्ट 1956, आई रिपीट, देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था, लेकिन
पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात नहीं की गई थी, नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 में, और कंपनीज एक्ट 1956 में बोला गया था मिनिमम दो होंगे, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस। हमारा सवाल यही पूछा गया है कि मैक्सिमम बैंकिंग बिजनेस में कितने होंगे, तो ऑप्शन मैंने बताया आपको 10 होंगे मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है, ठीक है, तो उस टाइम जो पार्टनर्स है उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। देखिए, जो पार्टनरशिप डीड होता है ना, वो एक हिसाब से पार्टनरशिप अग्रीमेंट होता है, ठीक है, और पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा। वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला इक्वली शेयर किया जाएगा, दूसरा ऑप्शन कैपिटल रेशियो पे शेयर किया जाएगा, तीसरा ऑप्शन लोन रेशियो पे शेयर किया जाएगा, और चौथा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इक्वली शेयर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉस एंड प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स या बिटवीन पार्टनर्स। जो लॉस है या प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच में किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वल, दूसरा ऑप्शन कैपिटल रेशियो, तीसरा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड लिखा होता कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड तो इक्वली हम बांट देते, लेकिन इन्होंने बोला कि जनरली किस बेसिस पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। मैंने बता रखा आपको 20, कंपनीज एक्ट 1956 में बोला गया था मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम नंबर 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। तो सवाल पूछा था कि नॉन बैंकिंग बिजनेस में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए, तो इट इज 20, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, अरेंज कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं, या एडजस्टेड कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दूसरा अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तीसरा एन अप्रोप्रिएशन व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल, और चौथा अ चार्ज व्हेन प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एन अप्रोप्रिएशन व्हेन प्रॉफिट इज अवेलेबल, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम इज नॉट अडॉप्टेड। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, द अकाउंट ओपन इन द बुक्स ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर्स आर, जो बुक में अकाउंट्स ओपन किया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू पार्टनर्स, क्या किया जाएगा, कौन कौन से अकाउंट खुलेंगे, सिर्फ करंट अकाउंट खुलेगा, ओनली कैपिटल अकाउंट खुलेगा, या बोथ करंट अकाउंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट खुलेगा, या आइदर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में आपको मालूम है कि करंट अकाउंट भी बनाया जाता है और कैपिटल अकाउंट भी बनाया जाता है, उस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी सही है इसमें। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी सही है, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, हम करंट अकाउंट भी बनाएंगे और कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे फिक्स कैपिटल सिस्टम अगर हमने अडॉप्ट किया पार्टनरशिप बिजनेस में। तो अगला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उस सिनेरियो में क्या किया जाएगा, सैलरी का क्या किया जाएगा, क्योंकि सैलरी के ऊपर क्वेश्चन है, सैलरी शुड बी पेड टू द पार्टनर्स, दूसरा ऑप्शन सैलरी शुड नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स, तीसरा ऑप्शन एक्टिव पार्टनर शुड बी पेड सैलरी, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सैलरी शुड नॉट बी पेड टू द पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसी को सैलरी नहीं देने वाले, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट एनी सैलरी टू एनी पर्टिकुलर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एंटाइटल है तो ये जो इंटरेस्ट है वो कहां से दिया जाएगा। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ओनली आउट ऑफ कैपिटल्स, दूसरा ऑप्शन ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तीसरा ऑप्शन आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड कैपिटल्स, और चौथा जो है वो नन ऑफ दीज है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रॉफिट एंड लॉस इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स. प्रॉफिट और लॉस अगर हम पार्टनर में डिवाइड करते हैं तो किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस, इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, दूसरा इक्वली, तीसरा एज पर द पार्टनरशिप डीड, और चौथा नन ऑफ दीज, ठीक है. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, एज पर द पार्टनरशिप डीड हम डिवाइड करते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन देयर इज नो एक्सप्रेस अग्रीमेंट, कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है. एक्सप्रेस अग्रीमेंट का मतलब है पार्टनरशिप डीड नहीं है. फॉर द न्यूली एडमिटेड पार्टनर्स शेयर इन द प्रॉफिट, अगर कोई नए पार्टनर जो एडमिट हो रहा है ना उसके लिए कोई एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं बना है, ठीक है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स होंगे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू द न्यू पार्टनरशिप. जो पुराने पार्टनर्स होंगे वो नए पार्टनर के लिए कहां से कैसे किस बेसिस पे अपना शेयर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. मतलब समझिएगा कि एक एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, और जो एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, पार्टनरशिप डीड में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है, कुछ बोला नहीं गया है, कुछ भी एक्सप्रेस अग्रीमेंट नहीं है. तो उस टाइम जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो पुराने पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर हैं, वो किस बेसिस पे नए पार्टनर को शेयर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है. वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला इन कैपिटल रेशियो, दूसरा इक्वली, तीसरा ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, और चौथा नन ऑफ दीज. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ठीक है. और आखिरी ये 800th क्वेश्चन है, जो इस लेक्चर का 25th क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, और इसी के साथ 800 क्वेश्चंस हमारे टोटल पूरे हो जाएंगे अकाउंटेंसी के. क्वेश्चन है, गुडविल इज एन असेट एंड एनी रिवैल्यूएशन टू सच एन असेट मस्ट बी अफेक्टेड थ्रू. जो गुडविल है वो एक असेट है, और कोई भी रिवैल्यूएशन इस असेट का अफेक्ट होगा, कैसे अफेक्ट होगा. वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, तीसरा ऑप्शन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट. जो गुडविल होगा असेट का वो रिवैल्यूएशन द्वारा ही अफेक्टेड होगा, ठीक है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई जस्ट होप कि मैंने अब तक जो क्वेश्चंस अपलोड किए हैं आपको बेनिफिट पहुंचा रहे होंगे. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हो सके तो शेयर भी जरूर कर दीजिए, ठीक है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. गुड डे, हैव अ गुड डे.